What's up people, क्या हाल है सभी के। और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट 11 टिप्स टू बूस्ट योर फोन परफॉर्मेंस। तो इन टिप्स को यूज करने के बाद गाइस आपको मिलेगी आपके फोन के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली टिप जो आपके निकल के आती है वो आती है भाई मैनेज एप्स को लेकर। तो फोन के अंदर यार पता नहीं हम लोग कितनी सारी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि हम काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस को फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती। तो आप उनको यूज़ करो ना करो, बट कई बार ऐसा होता है कि वो बैकग्राउंड में रन करती है और आपके सीपीयू पे लोड डालती है। तो उनको आप भाई डिलीट कर दो और देखो कौन सी ऐप आपके काम की है और कौन सी नहीं है। यहाँ पर गाइस आपके लिए जो नेक्स्ट टिप निकल के आती है वो आती है डिसेबल ब्लॉटवेयर को लेकर। तो यार ब्लॉटवेयर बेसिकली वो ऐप्स होती हैं जो आपको फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। तो अगर ये आपके काम की नहीं है तो इनको आप डिसेबल कर सकते हो। और अगर आपके पास MI का फोन है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो कैसे उसके अंदर आपको डिसेबल करना है। तो यहाँ पर गाइस आपके लिए जो नेक्स्ट निकल के आती है वो आती है भाई मैनेज स्टोरेज को लेकर। तो आप अपनी फोन की सेटिंग्स में जाकर ये देख सकते हो कि आपकी स्टोरेज कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। और अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है यार कि इतना तो डेटा भी नहीं है, ज्यादा स्टोरेज है, तो आप उसको थोड़ा क्लीन कर सकते हो। और गाइस इसके लिए अपने फाइल मैनेजर को भी यूज में ले सकते हो, देख सकते हो कि भाई कहाँ पे कितना डेटा यूज हो रखा है। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल का फाइल्स को ट्राई करके देखो। ये आपकी गाइस पूरी स्टोरेज को एनालाइज करके आपको बता देगा कि आप कहाँ कहाँ पे भाई अपनी स्टोरेज को खाली कर सकते हो। और हाँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपके फोन्स क्यों स्लो होते हैं पूरे रीजंस के साथ, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट निकल के आती है वो आती है भाई डोंट यूज चीप SD कार्ड। अब होता क्या है, आपने कोई सस्ता मेमोरी कार्ड खरीद लिया उसके बाद उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी फोन्स की जो ऐप का डेटा उस मेमोरी कार्ड के अंदर है वो उतनी जल्दी एक्सेस कर नहीं पाएगा और फोन हो जाएगा स्लो। यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट निकल के आती है वो आती है रिमूव अनवांटेड विडजेट्स। तो अब अपनी होम स्क्रीन से भाई विडजेट्स को कम कर दो। अगर होता क्या है, मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ वेदर ऐप का, तो वो वेदर अपडेट करने के लिए बैकग्राउंड में हर टाइम रन करता रहेगा। यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है भाई रिमूव एनिमेशन को लेकर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भाई डेवलपर ऑप्शंस का जो ऑप्शन है उसको एनेबल करना होगा। तो आपको सिंपली अबाउट फोन में जाकर बिल्ड नंबर या फिर अगर आपके पास MI का फोन है तो MIUI नंबर पे 7 to 8 टाइम्स टैप करना है, उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। MI के फोन्स के अंदर ये एडिशनल सेटिंग के अंदर होता है, बट बाकी फोन्स में मोस्टली ये आपको अबाउट फोन के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा विंडो एनिमेशन स्केल और ये जितने भी हैं, तो इनको आपको इस 0.5 पे कर दो। ये आपको बाय डिफॉल्ट 1 पे मिलेंगे। अब इससे होता क्या है, मैं अगर इसको 2 पे करके दिखाऊं तो ये गाइस आप देख सकते हैं एनिमेशन का जो टाइम है वो बढ़ गया है। तो या तो आप इनको ऑफ कर सकते हो, बट मैं 0.5 रेकमेंड करूंगा, वो अच्छा होता है, एनिमेशन होती नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर गाइस आपके लिए जो नेक्स्ट टिप निकल के आती है वो आती है भाई बैकग्राउंड ऐप्स को लेकर। तो यार आप सारी ऐप्स को भाई बार बार क्लीन करके ओपन मत करो। जो ऐप आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उनको रिसेंट ऐप्स में छोड़ दो। अगर कोई ऐसी ऐप है जो आप 2-3 दिन बाद यूज करोगे तो उसको आप क्लीन कर दो। नेक्स्ट भाई जो टिप है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज क्लीनिंग एप्लीकेशन। जो होता नहीं है फोन को बूस्ट कर देंगे भाई, झाड़ू वाड़ू घूमता है, तो उनको यूज मत करो। अब होता है क्या है, वो ऑल टाइम भाई बैकग्राउंड में रन करती है और बार बार आपकी रैम को ही क्लीन करती रहती है, तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाती है। तो आप इनको भाई डिलीट कर दो अभी अगर है तो फोन में। नेक्स्ट भाई जो टिप है वो है यूज लाइट एप्लीकेशंस। तो यार काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनका लाइट वर्जन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है, तो आप उनको यूज कर लो। फेसबुक लाइट है, टिकटॉक लाइट है, बहुत सारे लाइट एप्लीकेशन है, तो आप इनको ट्राई करो। यहाँ पर गाइस आपके लिए जो नेक्स्ट टिप है वो है भाई यूज लाइट लॉन्चर्स। तो आप कोई हैवी लॉन्चर को भाई यूज में मत लो, वो आपके फोन को स्लो कर देगा। तो आप कोई लाइट लॉन्चर को भाई काम लो। मैं आपको पर्सनली लॉन्चर 2 रेकमेंड करूंगा जिसको मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूँ, और भाई लाइट भी है और स्टेबल भी है, मेरे को इसके अंदर अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, और लॉन्चर काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल भी है। यहाँ पर गाइस आपके लिए जो नेक्स्ट टिप निकल के आती है सबसे इम्पोर्टेंट वो है भाई रीसेट योर फोन। तो आपको आपके फोन के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट का या फिर रीसेट फोन का। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये भाई आपके फोन की सारे डेटा, सारी ऐप, सब कुछ मिटा देगा। तो आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा को मेमोरी कार्ड या फिर कंप्यूटर में बैकअप करने के बाद एक बार फोन को रीसेट कर दो हर 6-8 महीने में। उससे क्या होगा, आपको भाई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को डेफिनेटली मिलेगी, बट भाई डेटा बैकअप पहले कर लेना।